नमस्कार। आज हम काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक है बीमारी। तो आजकल के समय में लगभग लगभग परिवार में किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, जिसके कारण हमारी इनकम का आधे से ज़्यादा हिस्सा कई बार बीमारी पे खर्च होने के कारण पूरा सिस्टम जो है खराब कर देता है। अब बीमारी बेसिकली हमने दो प्रकार की देखने को मिलेंगी, एक बाय बर्थ जो आपकी लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग आपके प्लेनेट के अलग अलग प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह की बीमारी देखने को मिल सकती है, वो बीमारी फॉर लाइफ परेशान करती है और कब कब परेशान करती है, जिस प्लेनेट से रिलेटेड बीमारी होगी जिसकी भी बात करेंगे, उस प्लेनेट का जब जब अपना एक टाइम पीरियड आएगा उस टाइम पीरियड में वो बीमारी परेशान करेगी। अभी टाइम पीरियड क्या है, ये जब हम इवेंट्स की बात करेंगे द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, तो उसमें प्लैनेट्स का जो टाइम पीरियड है प्लस वर्षफल दोनों में जब जब प्लैनेट अपने इंडिकेशन देगा तो उस समय बीमारी ये देखने को मिलेगी। अब इस बीमारी को समझना है सबसे जरूरी कि बीमारी अगर कोई है तो बार बार हो रही है तो उसके पीछे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, प्लेनेट की कौन सी पोजीशन काम कर रही है, और वर्ष फल के अंदर पर्टिकुलर ईयर के अंदर अगर प्लेनेट की इस तरह की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है तो उस साल अगर इस तरह की बीमारी आती है तो जो रेमेडीज यहाँ पर आपको एडवाइस की जाएगी उनको करने से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सन से। सन कुंडली के फोर्थ हाउस में हो, फोर्थ हाउस दैट इज फोर्थ हाउस में हो, तो ऐसे में शव कोरी की बीमारी का सामना जातक को करना पड़ता है। शव कोरी की बीमारी बेसिकली अगर किसी व्यक्ति को जनरली जो ये बीमारी है वो ऐसे में क्या डे टाइम में ऐसे व्यक्ति को क्लियर व्यू रहेगा, रात के समय थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, तो इसको यहाँ पर शव कोरी की बीमारी का नाम दिया गया है। इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। दूसरा मून चंद्रमा कुंडली के एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस कौन सा है, आठ नंबर का साइन है, एट्थ हाउस में अगर किसी के प्लेस्ड है लगन कुंडली में, तब ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तालाब या कुएं के लिए छोड़ी गई जमीन पर मकान बना ले तो परिवार में किसी न किसी को मिर्गी या दमा की शिकायत देखने को मिलेगी। तो यहां पर कई बार जैसे तालाब या कुएं की जगह छोड़ दी जाती है और लोग बाग उसको कब्जा कर लेते हैं या कच्चे लालच में आकर सस्ते में खरीद लेते हैं, तो इस तरह के बनाए हुए मकान इस तरह की बीमारी परिवार में किसी न किसी को दे के रखते हैं, नहीं बनाना चाहिए। विनस इलेवेंथ हाउस, अब इलेवेंथ हाउस में अगर विनस प्लेस्ड हो तो ऐसे में जातक को स्किन रिलेटेड डिसीज का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर चमड़ी के जो रोग हैं, अब इस बीमारी अगर लगन कुंडली में है तो इसका इलाज क्या है, साथ ही शुक्र इलेवेंथ हाउस में सेक्सुअल डिसीज भी देता है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को फिश ऑयल के कैप्सूल का डेली सेवन करना, दूसरा फिश ऑयल से स्किन पर मालिश करना काफी ज्यादा लाभ प्रदान करता है। शनि फोर्थ हाउस, अब शनि फोर्थ हाउस में है तब ऐसे में अगर पेट संबंधित रोग हो, कई बार यहाँ पर पैरालाइज की बीमारी भी शनि फोर्थ हाउस का देता है अगर अशुभ कंडीशन में हो, तो इस तरह की अगर कोई भी शिकायत हो तो नशीली वस्तु जल में मिलाकर पीने से लाभ प्राप्त होगा। तो नशीली वस्तु, नशा क्या है शनि और जल क्या है चंद्रमा, तो यहाँ पर चंद्रमा के घर में शनि बैठा हुआ है, तो नशीली वस्तु जल में मिलाकर पीने से मैं यहाँ पर एडवाइज ये करता हूँ कि आप होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो उससे निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर अल्कोहल मिला होता है। सैटर्न ट्वेल्थ हाउस, अब ट्वेल्थ हाउस के अंदर सैटर्न अगर प्लेस्ड है तो इट इज द एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न, और यहाँ पर जो सैटर्न है वो जातक को जीवन में एक से ज्यादा यानी कई मकान का मालिक बनाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इसको ठीक रखा जाए या तो कुंडली में बाय डिफॉल्ट अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको ठीक कर लिया जाए, प्लेसमेंट अच्छा है। तो यहाँ पर शनि ट्वेल्थ हाउस में है तो अंडा मांस शराब, अंडा मांस शराब यानी कि नॉन वेज और
नॉनवेज और वाइन वगैरह के सेवन से सैटर्न का फल यहाँ पर खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो आई रिलेटेड इश्यू और वेल्थ रिलेटेड इश्यू, धन की समस्या और आंखों की समस्या का सामना जातक को करना पड़ेगा। केतु थर्ड हाउस, अब तीसरे घर में अगर केतु प्लेस्ड है तो ऐसे में जातक को कानों में इन्फेक्शन, बैकबोन रीढ़ की हड्डी में समस्या, पैरों में तकलीफ, फोड़े फुंसी, इन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर इस तरह की समस्याएं ये केतु थर्ड हाउस में है और काफी खराब पोजीशन में है तो ये ज्यादा पूरे साल परेशान करेंगी, पूरी लाइफ परेशान करेंगी। तो ऐसे व्यक्ति को अपने कानों में सोना अवश्य धारण कर लेना चाहिए, दोनों कानों में भी कर सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट ईयर में अवश्य कर लें। मंगल केतु फोर्थ हाउस, तो मार्स और केतु का कंजक्शन जब कुंडली के फोर्थ हाउस में होगा तो इट्स ए वेरी बैड कॉम्बिनेशन मार्स और केतु का। तो यहां पर जातक को शुगर की बीमारी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, परिवार में भी किसी न किसी को हो सकती है, फैमिली में किसी न किसी को हार्ट अटैक भी आता है, और यहाँ पर भाई की सर्जरी के योग भी कुंडली में बनते हैं, वो एक अलग विषय, मगर बीमारी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शुगर की बीमारी का योग कुंडली में बन जाता है। तो ऐसे में आपने कानों में सोना धारण करना, किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को साल में एक बार पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की मिठाई, केसर, चने की दाल, दक्षिणा वगैरह देकर उनका आशीर्वाद लेना शुभ परिणाम देता है, क्योंकि यहाँ पर औलाद की पैदाइश में भी ये योग दिक्कत करेगा। केतु एर्थ हाउस, अब एर्थ हाउस में केतु अगर प्लेस्ड है तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटे की पैदाइश में दिक्कत अवश्य देता है, और बच्चा बार बार अगर होकर यानी कि अबॉर्शन वगैरह के केस देखने को मिल रहे हो कि बच्चा हो रहा है, होके उसकी डेथ हो जा रही है या प्रीमेच्योर बेबी हो रहा है, और पत्नी के हेल्थ इशू भी रह रहे हैं, तो ऐसे में ये मेरी एडवाइस ये है कि केतु अगर एर्थ हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को कुत्ता निश्चित तौर पर पालना चाहिए। किसी कारण से अगर कुत्ता नहीं पालता है तो ऐसे में आप अपने गली के अंदर कोई कुत्ता जो है पकड़ लीजिए, मतलब कि एक कुत्ते को आप वो कर लीजिए कि मुझे डेली इसको सेवा करनी है, इसे कुछ ना कुछ खाने को देना है, या नॉर्मली कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को देते रहे, उनकी सेवा करते रहे, तो यहाँ पर केतु कहीं ना कहीं आपको शुभ परिणाम देता चला जाएगा। शुक्र 10th हाउस, अब 10th हाउस में अगर वीनस प्लेस्ड है तो ऐसे में अच्छा प्लेसमेंट है, डिपेंड करता है कुंडली में शनि कैसा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर रिजेक्ट करेगा जस्ट लाइक ए शनि। तो ऐसे में अगर ऐसा व्यक्ति कि किसी प्रकार के कोई बाहरी ताल्लुकात हों तो पत्नी सदैव बीमार रहेगी, तो ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखिए, और साथ ही कैरियर में भी दिक्कत आएगी। शुक्र 12th हाउस, अब 12th हाउस में जब शुक्र होता है तो ये जिसके 12th हाउस में होता है उस व्यक्ति के लिए तो काफी ज्यादा शुभ है, मगर उसके लाइफ पार्टनर को हेल्थ इशू डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्नी जो है काफी ज्यादा भाग्यशाली होती है, कामधेनु गाय कहा गया है, और ऐसे जातक की पत्नी जातक के सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लेती है। अब ये बातें पता नहीं लगती हैं, मगर वो प्लैनेट्स जो हैं वो इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर देते हैं कि जातक के जो भी कष्ट आएगा वो पत्नी पे ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे में आफ्टर मैरिज ऑलमोस्ट जितने भी चार्ट कभी देखे हैं तो उनमें पत्नी के हेल्थ इश्यू 100% देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर ये रेमेडी जो है जरूर कर लेनी चाहिए। नंबर एक, अगर पत्नी लगातार बीमार चल रही है तो पत्नी के वजन के बराबर ज्वार किसी गौशाला में दान करें। नंबर दो, पत्नी के हाथों गुड़ जौ चावल का दान करें या बल्कि दान की जगह किसी वीरान जगह में दबाएं। तीसरा, 43 नीले फूल या 43 काले नीले कंचे, इनमें से कोई भी चीज जो मिल जाए, नीले फूल मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, तो नीले फूल 43 पत्नी के हाथों शाम के समय सूर्य अस्त के समय जमीन में दबा दें, तो ये यहां पर इसका इलाज होगा। वर्ष फल में 7th हाउस में, 7th हाउस में वर्ष फल जो आपके जन्मदिन से स्टार्ट होकर नेक्स्ट जन्मदिन आने तक चलेगा, दैट इज वर्ष फल।
वर्ष फल में जब सेवेंथ हाउस में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि में से कोई भी प्लैनेट आ जाए तो उस साल थोड़ा हेल्थ इश्यू जातक के अवश्य लगे रहते हैं। दूसरा, राहु और बृहस्पति कुंडली के 2, 5, 9, 12, 2, 5, 9, 12 इन हाउसेस में अगर राहु और बृहस्पति एक साथ हैं तो ऐसे में पिता को दमा की बीमारी या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना पूरी पूरी रहती है, या ये कहें कि होती है। ऐसे में काले मसूर की दाल और 10-20 रुपए का सिक्का, नोट नहीं, सिक्का दाल के साथ रखकर किसी स्वीपर को देते रहें हफ्ते 15 दिन में एक बार। इससे ये कॉम्बिनेशन के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकेगा। राहु सेकेंड हाउस, अब सेकेंड हाउस में राहु प्लेस्ड है तब ऐसे में जातक को आंतों से रिलेटेड इश्यू यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो ऐसे में क्या करना है, चांदी की ठोस गोली हमेशा अपने पास रखे। अब ये केसर की डब्बी में राहु सेकेंड हाउस की वीडियो में भी ये बात बता रखी है, तो वहां पे जाके डिटेल में रेमेडी को समझ सकते हैं। राहु थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस में राहु है तो ऐसे में घर में किसी प्रकार का हाथी का खिलौना या ताजमहल का स्टेचू ना रखें, क्योंकि थर्ड हाउस में राहु होगा तो इनमें से कोई ना कोई चीज घर में होना सिम्टम्स ऑफ बैड राहु, उनको इमिडिएट हटा दें। और अगर वाणी दोष, बोलने में किसी प्रकार की समस्या, तुतलाना, इस तरह के किसी प्रकार का इश्यू हो, ऐसे में हाथी दांत से बनी कोई वस्तु या कोई भी प्रकार की चीज घर में रखना शुभ परिणाम देगा, मगर टॉय वगैरह को अवॉइड करें। राहु फिफ्थ हाउस, अब राहु कुंडली के फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है तो यहां पर संतान के जन्म से 12 वर्ष तक पत्नी को किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं। तो यहाँ पर अगर राहु कुंडली के फिफ्थ हाउस में प्लेस है और भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, तो चांदी का ठोस हाथी 50, 55, 60 ग्राम का ये आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में अवश्य रख लें। राहु फिफ्थ हाउस की वीडियो में भी ये चीजें बताई गई हैं। केतु लगन में, केतु कुंडली के फर्स्ट हाउस में और सिक्स हाउस के अंदर शुक्र या पापी ग्रह, इनमें से जो भी कोई अगर प्लेस्ड हो तब नाभि से नीचे की बीमारी, अल्सर, पथरी जैसी बीमारी देखने को मिलेगी और इसका ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। केतु सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस में अगर केतु प्लेस्ड है तो यहां पर ऐसे जातक को गले में टॉन्सिल, नजला जुखाम, इन्फेक्शन, इस तरह की समस्याएं आजीवन परेशान करती हैं। अगर लगन कुंडली में है, वर्ष फल में आएगा तो उस पर्टिकुलर ईयर में, और उस पर्टिकुलर ईयर में भी जब वर्ष फल की बात करेंगे तो एग्जैक्टली किस मंथ में, तो आप समझ जाएंगे कि वो वर्ष फल कैसे काम करता है। तो पर्टिकुलर ईयर में या पूरे हमेशा इस तरह की बीमारी परेशान करती रहती हैं, बात बात पे इनको जल्दी इस तरह की इशू आते हैं। तो ऐसे में केसर का तिलक नियमित रूप से माथे पर अगर कोई व्यक्ति लगाता रहता है तो निश्चित तौर पर ये केतु भी शुभ परिणाम देगा और इस बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। केतु फोर्थ हाउस में अगर प्लेस्ड है तो शुगर की बीमारी होने के 90% चांस रहते हैं। ऐसे में जुपिटर कुंडली में कहीं भी हो, बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो, उसके रेमेडी करनी चाहिए, उसको ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, साल में कम से कम एक बार किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को चने की दाल, पीले रंग के वस्त्र, केसर की डब्बी और कुछ पैसे देकर उनका आशीर्वाद लेना काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। केतु नाइन्थ हाउस, अब नाइन्थ हाउस में अगर केतु है तो जोड़ों, पैर, रीढ़ की हड्डी यानी कि ज्वाइंट पेन, लेग रिलेटेड इश्यू, बैक बोन और पेशाब संबंधित रोग, इस तरह की रोगों से जातक परेशान होता है।
अगर इस तरह की परेशानी आपको महसूस हो रही हो तो कान छेदन, कानों में सोना पहनना यहाँ पर काफी ज्यादा लाभकारी होगा। केतु 10th हाउस में है, जैसे केतु 9th हाउस, ऐसी तरह केतु 10th हाउस में है, तो सेम जो अभी आपको प्रॉब्लम बताई है केतु 9th हाउस वाली, वही केतु 10th हाउस में भी देखने को मिलेगी। और केतु 11th हाउस में है तो यहाँ पर पेट संबंधी शिकायत भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में इसका एकमात्र इलाज सबसे अच्छा क्या है, कुत्ता पाल लेना। तो काले रंग का या काले सफेद रंग का कुत्ता पालना यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ परिणाम देगा। तो आज हमने कुछ रूल डिस्कस किए बीमारी के संबंध में। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल जो है आपका नियर अबाउट 80 के आसपास रूल हैं। इसके अलावा और भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो डिसीज को लेकर है। तो अभी आप ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के सारे रूल एक साथ कवर कर दें या अभी के लिए इतना ही काफी है। तो जैसे भी आपको सुझाव हो अवश्य दीजिएगा। और वीडियो के अंदर अगर आपको जानकारी थोड़ा भी ठीक लगे तो इन चीजों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास भी करा करें, ताकि हम डायरेक्टली ना सही मगर इनडायरेक्टली किसी न किसी के रूप में हेल्प कर सकें। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसके पीछे क्या फैक्टर काम कर रहे हैं। अगर ये भी पता हो कि हाँ चलो ठीक है इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी होता है, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि ज्योतिष की वजह से भी इस तरह की समस्या होती है, उनको ज्योतिष की गहराई का पता ही नहीं होता, वह सामान्य सा जीवन जीते हैं। ठीक है, जीवन तो जैसा लिखा है वैसा लिखा है, जो आयु आपकी तय है, जन्म मृत्यु सब ईश्वर ने फिक्स किया हुआ है। रेमेडीज केवल आपकी जो जर्नी है, डेस्टिनेशन तय है, जो जर्नी है उस जर्नी को स्मूथ करती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर को पता है कि 3 से 4 दिन लेगा ही लेगा। अब अगर आप दवाई खाएंगे पैरासीटामोल और अदर मेडिसिन, उससे क्या होगा, आपका वायरल 3 से 4 दिन जो टिकने वाला है वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अब ज्यादा परेशान मतलब आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं, मेडिसिन अगर लगातार ले रहे हैं। और वहीं आप अगर बिल्कुल मेडिसिन लेंगे तो आपको पानी पीना भी उठकर भारी हो जाएगा, वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिसिन नहीं लोगे तो मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु तो तय है, जब आएगी तो आएगी, कुछ भी कर लीजिएगा। और जब तक नहीं आनी है तब तक नहीं आएगी, तब भी कुछ भी कर लीजिएगा। तो केवल रेमेडी जो है आपको स्मूथली जीवन को जीने का एक तरीका बताती है जो निश्चित तौर पर काम करती है। तो जब तक जीवन है उसको हंसी खुशी इंजॉयबल जिए। लोगों की मदद करना चाहते हैं मगर खुद ही परेशान है तो मदद क्या करेंगे। तो एटलीस्ट नॉलेज को शेयर करके आप लोगों तक जानकारी पहुंचा के भी आप इनडायरेक्टली उसका भला कर रहे हैं। और जब हम कोई काम करते हैं उसके लिए कोई देख रहा ना देख रहा हो मगर ईश्वर अवश्य देखता है, आप कितने सही हैं कितने गलत हैं ये आपको अवश्य पता है। तो केवल अपने आप को अगर आप ठीक मानेंगे तो एक आपके अंदर अलग आत्मविश्वास आएगा। तो ठीक रहिए, भला कीजिए, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।